नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अभी न्यूज 24 में। खबर दिल्ली से। राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 16,000 शिक्षकों और 1,000 प्राचार्यों व उप प्रधानाचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। उप राज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसले के मद्देनजर वरिष्ठता के आधार पर खाली पड़े पदों को भरने को लेकर नीति को मंजूरी जाने के बाद हजारों शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकेगी। राजनिवास से मिली सूचना के अनुसार उपराज्यपाल ने फिलहाल तदर्थ आधार पर वरिष्ठता क्रम में 15,930 शिक्षकों को और करीब 1,000 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के आदेश दिए हैं। इससे शिक्षकों का मनोबल ऊंचा होगा और नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ होगा। शिक्षकों की हिमायती बनने का दावा करने वाले आपके मंसूबों पर राज्यपाल ने पानी फेर दिया है। उपराज्यपाल द्वारा हजारों शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खोले जाने के साथ साथ राजनिवास की ओर से जारी आदेश में सभी विभागाध्यक्षों को यह भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी अपने यहाँ खाली पदों को भरने के मामले में वरिष्ठता क्रम में कर्मचारियों को पदोन्नति देने की बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि इस पदोन्नति के कारण कई गेस्ट टीचर्स पर भी गाज गिर सकती है और उनको हटाया जा सकता है। इसमें जो नॉन सीटेट, जो बिना सीटेट के लगे हुए अभी गेस्ट टीचर्स हैं, खास ही उनको उनके लिए ये चिंता का विषय भी है। लेकिन देखना होगा भविष्य में सरकार द्वारा क्या नीतियां बनाई जाती हैं और किस प्रकार उस पर अमल किया जाता है। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ अभी न्यूज 24। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।